हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपने घर में सुरक्षित भी होंगे और स्वस्थ भी होंगे। स्वस्थ तो हमें रहना है ना? तो एक बात बताओ, आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है? सुनते हैं आप कहानी? दादी से, नानी से, मम्मा से, पापा से सुनते हैं कहानी? सुनते हैं ना? आज मैं भी आपके लिए बहुत अच्छी तीन दोस्तों की कहानी लेकर आई हूँ। मैं उसमें तीन दोस्त हैं और इसमें हमें ये पता चल रहा है कि दोस्त एक दूसरे के लिए क्या करते हैं। दोस्त क्या करते हैं? एक दूसरे की मदद करते हैं मुसीबत में। तो इस कहानी में भी एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त की मुसीबत आने पर मदद की थी। क्या मदद की थी वो हम इस कहानी में जानेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं कहानी। एक समुद्र के किनारे एक कलाकार रहता था। कलाकार यानी जो चित्र बनाता है या कुछ और, जो अलग अलग तरह की चीजें बनाए। कोई चित्र बनाता है वो भी कलाकार है, कोई खिलौने बनाता है वो भी कलाकार है, कोई मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने बनाता है वो भी कलाकार है। तो हर अलग अलग चीजें बनाने वाला कलाकार होता है। तो ये कलाकार था, ये समुद्र के किनारे रहता था। तो उसको क्या मिलता है समुद्र के किनारे, पता है आपको? बता सकते हैं आप क्या मिलता है समुद्र से हमको? हाँ, समुद्र से हमें मिलते हैं सुंदर सुंदर शंख मिलते हैं। ये देख रहे हैं आप, मैं भी लेकर आई हूँ आपको दिखाने के लिए, है ना अच्छे शंख। वो कलाकार भी ऐसे शंख इकट्ठे करता था और सुंदर सुंदर, ये देखिए सुंदर सुंदर वो शंख इकट्ठे करता था, बहुत सारे इकट्ठे करता था और इनसे वो अलग अलग तरह की चीजें बनाता था। और क्या मिलता है समुद्र में? समुद्र में हमें मिलती हैं सीपियां। क्या मिलती हैं? सीपियां मिलती हैं। इन सीपियों से बहुत सारी चीजें बनती हैं घर को सजाने के लिए, आपने देखा होगा बाजार में। और क्या मिलता है वहां पर? मोती मिलते हैं समुद्र में, मोतियों से वो मालाएं बनाता था। और क्या मिलता है वहां पर उसको? अलग अलग तरह के पत्थर मिलते हैं, वो पत्थरों की भी मालाएं बनाता था और घर को सजाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर वो चीजें बनाता था। अलग अलग चीजें इकट्ठी करके वो उनसे अलग अलग चीजें बनाता था। तो और उसको शहर में बेचता था जिससे कि उसका गुजारा चलता था। उनका एक बेटा भी था, उसका नाम था हर्ष। एक दिन क्या हुआ, उनके घर उनके एक रिश्तेदार का मित्र आया और उनके साथ उनकी एक बेटी भी थी। बेटी का नाम क्या था? बेटी का नाम था मंजरी। मंजरी और हर्ष दोनों दोस्त बन गए क्योंकि मंजरी वहाँ रहने आई थी। क्या करने आई थी? कुछ दिनों के लिए वहाँ रहने आई थी। वो दोनों दोस्त बन गए। तो हर्ष क्या करता था? समुद्र में जाता था, समुद्र की लहरों से खेलता था, उसमें तैरता था बहुत अच्छे तरीके से, बिना डरे वो वहाँ पर जाता था। तो वो मंजरी को भी वहाँ पर ले जाता था, लेकिन मंजरी को डर लगता था क्योंकि उसको अच्छे से तैरना नहीं आता था। तो एक दिन क्या हुआ कि हर्ष ने देखा उसके पापा कुछ बना रहे हैं, कई दिन से वो कुछ बना रहे हैं। उसने अपने पापा से पूछा, आप ये क्या बना रहे हो, बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ। उसके पापा ने बोला, मैं ये एक सुंदर खिलौना बना रहा हूँ और ये है एक सुंदर लड़की के लिए। मंजरी है ना सुंदर, 2 दिन के बाद उसका जन्मदिन है और ये खिलौना तुम उसको उसके जन्मदिन पर भेंट में दे देना। भेंट यानी गिफ्ट, गिफ्ट में दे देना। उसने कहा ठीक है, और वो बहुत खुश हो गया कि मैं मंजरी को गिफ्ट दूंगा। तो तुरंत फिर वो चला गया मंजरी के पास और मंजरी को समुद्र के किनारे ले गया और बहुत सारी बातें करी उसने उसके जन्मदिन के बारे में। जैसे ही वो वहाँ पर बातें कर रहे थे, उन्होंने देखा दूर चट्टान पर एक लड़की बैठी है। वो लड़की कौन थी? वो लड़की थी हर्ष की दोस्त कनक। क्या नाम था उसका? कनक नाम था। तो कनक ने भी उनको देखा, कनक ने बोला, हर्ष इधर आ जाओ। तो हर्ष ने कहा, नहीं मंजरी नहीं आ पाएगी, तुम ही इधर आ जाओ। तो कनक ने कहा अच्छा ठीक है। तो हर्ष भी चलने लगा तो मंजरी ने देखा पानी में उसको एक सुंदर शंख दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? एक सुंदर, उसको वहां पर एक सुंदर शंख दिखाई दिया। तो वो उस शंख को जैसे ही उठाने के लिए पानी में झुकी, एक बड़ी सी लहर आई और उसको आगे बहाकर ले गई। जैसे हर्ष ने देखा तो उसको वो बचाने के लिए आता, एक और लहर आई, वो उसको और आगे बहाकर ले गई
और वो उस तरफ जा रही थी जहाँ कनक थी। कनक तुरंत पानी में कूदी और उसने उसको जाकर पकड़ लिया और बाहर पानी से बाहर ले आए। और उसको हर्ष ने और कनक ने उल्टा लिटाया, उसकी पीठ थपथपाई, उसका पानी जो उसके अंदर चला गया था उसको सारा बाहर निकाला। जब कोई पानी में डूब जाता है या पानी में चला जाता है तो उसके अंदर बहुत सारा पानी भर जाता है, तो वो पानी बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है उसको ठीक करने के लिए। तो हर्ष और कनक ने भी वही किया, उसका पानी निकाला, फिर वो होश में आ गई और बिल्कुल ठीक हो गई। दो दिन के बाद उसका जन्मदिन था, उसने सभी बच्चों को बुलाया था, कनक को भी बुलाया था। कनक भी गई थी, हर्ष भी गया था, हर सब ने उसको अलग अलग तरीके से गिफ्ट दिए थे, उपहार दिए थे। फिर हर्ष ने भी उसको उपहार दिया और उसको बोला कि ये मेरे पापा ने तुम्हारे लिए स्पेशल बनाया है। तो उसने ले लिया, उसको बहुत अच्छा लगा। उसके सारे उपहारों में से उसको वो एक उपहार बहुत पसंद आया था, तो उसने क्या किया, वो उपहार लेकर उसने जाकर कनक को दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि अपना गिफ्ट भला कोई किसी को देता है? सब लोग भी ये सोच रहे थे कि मंजरी ने इतना सुंदर अपना उपहार कनक को क्यों दे दिया। तो आप बताएंगे मुझे क्यों दे दिया? आपको समझ में आया क्यों दिया? हाँ जी, बिल्कुल सही, क्योंकि कनक ने मंजरी की जान बचाई थी, इसलिए मंजरी ने अपना उपहार कनक को दे दिया। वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी ने तालियां बजाई, देखो मोर भी ताली बजा रहे हैं, है ना, सब ने ताली बजाई, सब खुश हो गए, सब ने कनक की और मंजरी की खूब तारीफें की। अच्छी थी ना कहानी, अच्छी लगी? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक तो हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, कोई भी हमें मुसीबत में दिखता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। दूसरी शिक्षा क्या मिलती है कि सुंदरता मन की होती है, चेहरे की नहीं। ज़रूरी नहीं कि जो चेहरे से अच्छा है वो अंदर से भी अच्छा होगा, या जो चेहरे से अच्छा नहीं है वो अंदर से भी अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। सुंदरता हमेशा मन की होती है, चेहरे की नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप? ओके, बाय बाय।